अब शुद्ध मन वाले से किसी के लिए भी धिकार सपने में भी नहीं उठ सकती है। वो शुद्ध मन वाला बोलता है ये सब मेरी बरादरी है, जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार। वो शुद्ध मन वाला पौत्र रहता है, अंदर में ऐसी शुद्धि है जो अभी डाउट किसके लिए भी नहीं, शक भी नहीं, शंका भी नहीं। ये तुम्हारे अंदर में किसी व्यक्ति के लिए संशय या शक है या शिकायत है, समझो तू नाश हो जाएगा। किसी के लिए भी, गुरु के लिए तो आदमी रहता है, पर जो एक दूसरे में माँ बेटे में, बेटा माँ में, बाप में, दोस्त में, भाईवार में, उसमें तुम शंका रखते हैं, शक भी रखते हैं। कहाँ से पैदा हुआ शक और संशय, क्यों पैदा हुए, जब इधर ब्रह्म है, इधर भी ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है, तो तुमने टोटली उसको बोला है तो मेरे को कुछ भी करने का नहीं है। तुमको कोई बोले ये चीज देखो, तुम बोलो मैंने तो देख लिया, तुम्हारे हाथ से किसने देखा, मैं क्यों चलूं, मैं क्यों देखूं। हमारे को कोई बड़ी बिल्डिंग भी लेना होवे, हम उसको बोलेगा ये तुम्हारा पैसा है तुम लियो, हम देखेगा बिल्कुल नहीं। हमारी बेटी की सगाई होगी, हम बोलेगा उस आदमी मैं नहीं देखूंगा, तुम देखना, तुम अपना बेटा नहीं समझते है मेरे बच्चे को। तुम्हारा इतना विश्वास है जो सामने वाले को बोलो तू ही सब करेगा, मैं नहीं करेगा, मैं नहीं चलूंगा। तुमको भगवान में बिल्कुल फेथ है, तुम सब फेथ ले से तुम्हारा मन फिर चलेगा, थोड़ा तो मैं देखूं, थोड़ा तो ऑब्जर्व करूं, थोड़ा तो ये करूं, तो मन माया में रम रहे हो, विसरो गोविंद राम। मन देखो कितना कपटी है, चोर है, चंडाल है, पापी है, जो द्वैत में शक शंका शिकायत रखते हैं। तो अंदर में तुम्हारे प्योरिटी होगी, शायद उसको संसार हुए वो संसार छोड़ देगा, उसके दिल में पाप हो वो पाप छोड़ देगा ना, जब तुम्हारे दिल में प्योरिटी है, सफाई है, और तुम उसको अपनी अपनी आत्मा देखते हैं, अपना प्राण देखते हैं, उधर मैं हूँ, जिधर कोई दुखी है उधर मैं हूँ। तभी बोलता है ना निष्काम कर्म ज्ञान के बाद, जो न करता है तो उसने ज्ञान सुना ही नहीं। सर्व के भलाई के लिए तुम्हारा ये तन मन धन होना चाहिए। तुमको गुरु बोलेगा तन मन धन मेरे को दियो, नहीं बोलेगा मेरे को नहीं दियो, सर्व के भलाई के लिए ये तन मन धन हाजिर रखना। किसके लिए भी, क्योंकि मैं सब में हूँ, मैं सबके दिल में भी हूँ, सबके हृदय में भी हूँ। तो तू जो तन मन धन गुरु के पास लेके आएगा, सब गुरु इसीलिए तो आश्रम बनाते हैं ना, तो भाई ये पैसा लेके आए तो कहाँ करें, रोज नई कोठी बनती जाएगी, रोज नया कुछ न कुछ बनता जाएगा आश्रम में। एक जगह आश्रम में जाके सब बैठते हैं, तुम देखो घर में ही जब चार आदमी विकार देखते हैं एक दूसरे का, तो आश्रम में क्या होगा।